अब नेक्स्ट रिलेशन आपका क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड उल्टा डेल्टा, विच इज आप यहाँ पे इसको रिनोट करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के थ्रू, सो टू सो डेट डेल्टा इक्वल वन माइनस ई इनवर्स और ई इनवर्स इक्वल वन माइनस डेल्टा, उल्टा डेल्टा, ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं उल्टा डेल्टा। सो उल्टा डेल्टा एफ एक्स इक्वल एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन एफ एक्स एंड इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर का ये फॉर्मूला होता है जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ई इनवर्स एफ एक्स इक्वल एफ एक्स माइनस एच, ये हमारा इसका फॉर्मूला रहता है। सो एफ एक्स माइनस एच को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई इनवर्स एफ एक्स एंड एफ एक्स आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, सो इट विल बी डेल्टा एफ एक्स इक्वल वन माइनस ई इनवर्स एफ एक्स एंड फाइनली विल गेट डेल्टा इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स। तो बहुत ईजी से है ये, बट इनका यूज हम प्रॉब्लम ही मेन करते हैं, तो हमें ये सब बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट रिलेशन आपका है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है, सो रिलेशन बिटवीन ई मीन्स शिफ्ट ऑपरेटर, डेल्टा सीधा डेल्टा मीन्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इन तीनों के बीच में उनको रिलेशन फाइंड करना है। सो टू शो डेट ई डेल्टा उल्टा डेल्टा इक्वल सीधा डेल्टा इक्वल उल्टा डेल्टा ई, इट मीन्स इसके थ्रू हमको ये फाइंड करना है, डेल्टा ई के थ्रू हमको डेल्टा फाइंड किया है। तो हमने क्या करना है, देखिए पहले हमने लिया ई डेल्टा उल्टा डेल्टा एफ एक्स, अब इसको हमने क्या लिखना है, देखिए ई शिफ्ट ऑपरेटर आपको बाहर रखते हैं, आपने फंक्शन के साथ में आपने ले लिया पहले उल्टा डेल्टा, यहाँ पे हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मुला लगाएंगे, सो इट विल बी एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, देन ई शिफ्ट ऑपरेटर का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ई एफ एक्स हमारा जो फॉर्मूला मेन होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच, जो कि हमको इसका नेक्स्ट टर्म देता है, इसमें ये एक्स माइनस एच है तो इट विल बी एफ एक्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला बन गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जो कि होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। तो यहां से हमको मिल जाएगा ई उल्टा डेल्टा एफ एक्स इक्वल डेल्टा एफ एक्स, राइट। तो यहां से हमने इस इतना टर्म फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे इसके थ्रू इसको अप्रोच करने का ट्राई करते हैं। सो अब हमने क्या लिया उल्टा डेल्टा ई एफ एक्स, अब देखिए यहां से अभी पहले इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पहले डेल्टा एफ एक्स ई के थ्रू सॉल्व किया था, यहां पे हमने पहले उल्टा डेल्टा को बाहर रखा हुआ है ई एफ एक्स लिया, सो ई एफ एक्स की वैल्यू हमारी होती है एफ एक्स प्लस एच। अब हमने इसमें ऑपरेटर यूज करना है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर उल्टा डेल्टा का, तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहां से एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, उसमें क्या रहता है सेम टर्म एंड उसके लास्ट वैल्यू हमने लेनी होती है बैकवर्ड में, तो बैक की वैल्यू लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये जो वैल्यू हमारी होती है ये फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। तो यहां से आपको जो हमारी प्रूविंग थी वो हमको फाइनली मिल जाएगी।